जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से डेली प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ माँ आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो नेगेटिव है, तो माँ आपको उस नेगेटिविटी से बचाएं, उस नेगेटिविटी से दूर रखें और आपकी कोई भी नेगेटिव विश कभी 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 पूरी ना करें। हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111 में। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे रीडिंग लेकर आए हैं। आज हम बताने वाले हैं कि स्पेशली वो लोग जो लोग किसी भी वजह से ऐसा महसूस करते हैं कि वो अपने पार्टनर से दूर हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन दूर हो रहे हैं, या कुछ लोग दूर हो चुके हैं अपने हस्बैंड वाइफ से, या फिर जिनसे आप बहुत बहुत प्यार करते हो उनसे आप अलग हो चुके हैं, उनसे आप दूर हो चुके हैं, या फिर दिन प्रतिदिन ऐसा फील हो रहा है कि अब हमारा रिश्ता टूटने की कगार पे है, अब हमारा रिश्ता बहुत समय तक नहीं रहेगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बात तो होती है पर उस रिश्ते में अब कुछ बात नहीं होती है। वो एक होता है ना कि एज अ फॉर्मेलिटी, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, सब ठीक है, और क्या चल रहा है, ठीक है, गुड नाइट, मतलब इस तरह की बातें, सब ठीक है। और जब कोई इंसान इस तरह से बात कर रहा होता है, जब हमें फील होता है कि वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है हमारी लाइफ में ये जानने में कि क्या चल रहा है, तो फिर हम उसको बताते भी नहीं और हम भी कह देते हैं हाँ सब ठीक है, मस्त है, ठीक है, हम बोल देते हैं ना ऐसा। तो यही बात है यहाँ पे। तो आज हम इस रीडिंग में ये बताने वाले हैं कि क्या किस्मत आपको उनसे फिर से मिलाएगी, क्या जो लोग दूर हो चुके हैं लाइक हस्बैंड वाइफ, GFBF, तो क्या किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के करीब फिर से लाएगी? उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? तो इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं, प्लस गॉड गाइडेंस भी आपको देने वाले हैं, ठीक है? तो लंबी सी गहरी सांस लेकर मेडिटेशन करना है 2 मिनट का। उसके बाद आपको अपना पाइल चूज़ करना है, अपना ऑप्शन चूज़ करना है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, ठीक है? फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है? चलिए मेडिटेशन की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं हमेशा की तरह। चलिए आप आँखें बंद करके बैठ जाएँ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा। चलिए अब आप एक ऑप्शन चूज करिए और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज करते हैं आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता, तो प्लीज़ आप एक बार दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देखें। क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये जर्नल रीडिंग होती है। ठीक है, तो थोड़ी समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है और आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या किस्मत आपको इनसे फिर से मिलाएगी, क्या किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के करीब फिर से लेकर आएगी। ये जो भी हैं जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, क्या उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इधर देखिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीस लियो सेजिटेरियस। जी हाँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, मेष सिंह धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, लेकिन अच्छा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 11 तारीख, 16 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 31 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 20 तारीख। ठीक है, बर्थ मंथ बताते हैं उनका मई, सितंबर, अप्रैल, जुलाई, मार्च,
फरवरी, ठीक है, ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। चलिए उनका इनिशियल बता देते हैं हम, एस ओ आर टी जी एम आई बी ए यू एन डी के पी एफ, ठीक है, ये है यहाँ पर उनके नेम का इनिशियल। देखिए यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अच्छा, ये डिस्टेंस ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है भी, लेकिन कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं पहले वो कहीं आपके आसपास ही रहते थे, बट अभी आजकल वो आपसे थोड़ा सा दूर रहते हैं। मतलब कि शायद वो स्टडी के लिए बाहर गए हैं, या फिर जॉब के लिए बाहर गए हैं, या फिर बिज़नेस के लिए बाहर गए हैं, मतलब कि अब वो बाहर गए हैं, अभी वो आपके आसपास नहीं हैं, पहले थे बट अब नहीं हैं। एक बात और, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना डियर, इनकी आर्थिक स्थिति पहले बहुत ख़राब रही है और उसके लिए इन्होंने ज़िंदगी में हमेशा डाउन फील किया है, जैसे लोगों ने इन्हें बहुत नीचा दिखाया है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा बढ़ चढ़ जाते हैं, थोड़ा पैसे वाले हो जाते हैं तो धरती पे कदम रखना भूल जाते हैं। उनको लगता है कि हम आसमान की ऊंचाइयों पे हैं और ये इंसान पाताल की गहराइयों में है, लेकिन जो आसमान की ऊंचाइयों में है उसको ज़मीन पे गिरने में समय नहीं लगता। तो इनको क्या है, इनको लाइफ में स्पेशली आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से बहुत सारी अप डाउन्स का सामना करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें जो इनकी मनपसंद थी, बहुत सारी चीज़ें जो ये पाना चाहते थे वो इन्होंने खो दी, स्पेशली पैसों की वजह से। आज इनकी ज़िंदगी में पैसे बहुत अहमियत रखते हैं, कभी नहीं रखते थे, कभी रिश्ते इनके लिए बहुत मायने रखते थे, बट ये मजबूर हो गए हैं। एक तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे रिश्ते चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितने भी मजबूत क्यों ना हो, खून के क्यों ना हो, लेकिन वो पैसों की वजह से टूट जाते हैं, पैसों की वजह से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो सब पूछते हैं, और नहीं हैं तो कोई नहीं पूछता, कोई पहचानता भी नहीं है, लोग बात भी नहीं करते हैं। तो इनके अंदर एक जुनून आया, इनको अपने ही घर में भेदभाव का सामना करना पड़ता था, ये बहुत घुटते थे। पहले इनको लगता था कि नहीं, प्यार ही सब कुछ होता है, रिश्तों में पैसे कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन इन्होंने धीरे 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 देखा और महसूस किया कि नहीं, माना कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन आजकल लोग खुदा भी खरीदने चल देते हैं पैसों से, खुदा से कम भी नहीं है। आजकल क्या हो रहा है ये इन्हें महसूस हुआ, लाइक इन्हें बहुत गहराई से महसूस हुआ कि ज़िंदगी में पैसे वाला होना कितना ज़रूरी है, और वो इनका जुनून बन गया है। अब पहले हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान रिश्ते बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन एक टाइम पर ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में कोई आया, नहीं, इनकी लाइफ में नहीं, इनके लिए बस ये हुआ कि अब आपको समय कम दे पाते हैं। कुछ लोगों का तो ब्रेकअप हो गया है, या फिर कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है, तो बात हो तो रही है, पर वो होना ना होना
किसी काम का नहीं है। आपको हर पल ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से इनका बिहेवियर है, फिर जिस तरह से इनका रवैया है, ऐसे तो ये रिश्ता बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। और आपको हर पल डर लगा रहता है कि पता नहीं कब 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 कौन सा दिन मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होगा, पता नहीं कब। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो भी आसपास रहते हैं तो पैसे कमाने के लिए दूर जाना चाहते हैं, वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और इस वजह से वो आपको समय भी कम दे पा रहे हैं, बात भी कम कर पा रहे हैं, और थोड़ा सा अपने घर में वो कुछ उनके रिश्तेदार, कुछ उनके परिवार के लोग जो उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। और आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। अब उनका सपना है, उनका ख्वाब है एक बड़ा इंसान बनना, बहुत पैसे कमाना, और इसमें उन्हें आपका साथ चाहिए। लेकिन हम आपकी एनर्जी देखते हैं, तो अब आप पहले के जो दिन थे जब ये आपसे बहुत प्यार से बात करते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उन दिनों को आप जब इन दिनों से कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको बहुत रोना आता है कि अब पहले जैसा बचा ही क्या है। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी तो होती है रिश्तों में, क्या खाया, ठीक है, गुड नाइट, तबीयत ठीक है, घर पे सब ठीक है, बस नॉर्मल बातें। तो अब आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे दूर जा रहा है या फिर जा भी चुका है। आपका कभी कभी मन करता है कि पकड़ लूँ इसे, रोक लूँ इसे, और इसे कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकता। लेकिन आप ये भी नहीं करते, आपने पहले किया है, लेकिन अब आपको बहुत रोना आता, आप अंदर ही अंदर बहुत घुटते हैं। अच्छा, कोशिश बहुत करते हैं कि नहीं रोना है, वो करियर के बारे में तो सोच रहा है, करियर के बारे में तो सोच रही है, और ये सब हमारे रिश्ते के लिए अच्छा ही तो होगा, मैं क्यों रो रही हूँ। पर आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जैसे कि आप अपने जज्बातों को संभाल ही नहीं पाते, बस आपको अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी होती है, बहुत घुटन होती है, और बस आपको लगता है कि सब खो गया है, सब टूट गया है, सब बिखर गया है, अब कुछ भी नहीं है पहले जैसा। आप अंदर ही अंदर, आपके जो अंतरात्मा है, कहीं ना कहीं उसे यकीन है कि हमारे बीच जो प्यार है वो कभी मर नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को निस्वार्थ प्रेम किया है। आप सोचते हैं हमेशा ऐसा, आप हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि ये प्यार कभी टूट नहीं सकता, कभी ख़त्म हो नहीं सकता। अंदर ही अंदर खुद को तसल्लियाँ भी बहुत देते हैं, लेकिन बस वही है कि दिल का दरिया बह ही गया। तो आपके जो दिल का दरिया है वो बह ही जाता है, आप रोक ही नहीं पाते उसे। तो ये तो रही आपके रिश्ते की कंडीशन। अब हम बताते हैं कि क्या किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी। देखो, इधर दो तरह की ऊर्जा है, दो तरह की एनर्जी है। एक ऐसी कि कुछ लोगों का रिश्ता तो टूट ही गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म है, और कुछ लोगों का धीरे 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 सांसें तोड़ रहा है, दम तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो समय नहीं दे पा रहे हैं, और अब पहले जैसा कुछ रहा नहीं है, बस जब भी बात होती है तो थोड़ी देर बात हुई, नहीं तो लड़ाई झगड़े शुरू। तो इस वजह से आप और दुखी हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो बदल रही हैं ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम बताते हैं कि क्या होगा इन फ्यूचर, क्या किस्मत आप दोनों को मिलाएगी या फिर नहीं। तो डियर, 1000% किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी। इवन आप दोनों कभी अलग ही नहीं होंगे आत्मा से, कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। आप दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते, और कभी अलग होंगे भी नहीं, समझ रहे हैं? कभी भी आप अलग नहीं होंगे, इतना समझिए। और पता है,
वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं बस एक बार मैं मेरी मंजिल तक पहुंच जाऊं, बस एक बार मैं मेरे मुकाम तक पहुंच जाऊं, ये मेल हूं फीमेल हूं। उसके बाद बिना किसी ख्वाब के, बिना किसी डर के ये आपको कमिटमेंट देंगे, बिना किसी डर के ये आपके साथ शादी करेंगे। फिर कोई डर नहीं होगा, फिर कोई खौफ नहीं होगा, फिर किसी की परवाह नहीं होगी, परिवार, समाज, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, किसी की भी परवाह नहीं होगी। ये ऐसा सोचते हैं और पता है ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। बस ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दो, आप रो नहीं, आप इनकी कमजोरी नहीं, आप इनकी ताकत बनो, जिस ताकत से ये जो पाना चाहते हैं उसे जल्द से जल्द हासिल कर सकें। और आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। ये मन ही मन में आपको अपना सब कुछ मान बैठे हैं, सब कुछ मान चुके हैं। आप ही इनकी ज़िंदगी हो, आप ही इनकी हर खुशी हो, और आपके साथ ही इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी है। लेकिन आपको अभी कैसे यकीन दिलाएं, आपको कैसे समझाएं कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? बस ये आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आप समझदारी के साथ इनकी सिचुएशन को समझो, इनका साथ दो, और जब भी बात करो प्यार से बात करो, दुखी होकर बात ना करो। इन्हें मोटिवेट करो, इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दो, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है। समझ रहे हैं? इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जो इन्हें प्रेरणा देगा, जो इन्हें समझाएगा। नहीं, इन्होंने देखा है कि ऑलमोस्ट सारे रिश्ते स्वार्थ के ही हैं, मतलब के ही हैं। तो बस आप इनका साथ दो, आप इनका साथ दो। इनकी जो एनर्जी है, चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आंखें बंद करिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। न कोई था न कोई है
जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये इतना चाहते हैं आपसे कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। कोई दे या फिर ना दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी ताकत हो, तुम मेरी हिम्मत हो, बस तुम मेरा साथ देना ओ हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ओ हमनवा। हो जब चांदनी रात, देता है हर कोई साथ। जब चांदनी रात होती है, जब दिन अच्छे होते हैं, तो सब साथ देते हैं। लेकिन तुम अंधेरों में कभी मेरा साथ मत छोड़ना, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ ओ हमनवा, ओ हमनवा। ये चाहते हैं आपसे, पता है ये चाहते हैं। और किस्मत आप दोनों को कभी एक दूसरे के दिल से दूर करेगी ही नहीं, भले ही शारीरिक लेवल पर दूरी बढ़ जाए, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, लेकिन आत्मा से आप दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, ये बात पक्की है। ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जीने का ख्वाब देखते हैं, जहाँ पर जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, आप बस एक बार कह दें या फिर इन्हें महसूस हो जाए वो आपके कदमों में हो। ये ऐसा ख्वाब रखते हैं, ये ऐसा नहीं सोचते कि अगर आपको कुछ पसंद आए तो उस वक्त इन्हें शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़े कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है यार। ये बस ये सोचते हैं कि जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो, बस वो आपके पास हो, एक बार भी इन्हें सोचना ना पड़े। और इसीलिए एक अच्छी सी ज़िंदगी जीने के लिए, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के लिए पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। और तभी तभी ये एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि सब कुछ स्टेबल हो जाए, अच्छी ज़िंदगी हो जाए, उसके बाद हम अपना घर बसाएंगे, उसके बाद हम अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे। इनके खिलाफ़ इनके ही परिवार में प्लानिंग होती है, साजिशें होती हैं। इन्हें धीरे धीरे महसूस होने लगा है, धीरे धीरे एहसास होने लगा है कि कोई किसी का नहीं होता है। नहीं, इन्हें फील हुआ कि सबके प्यार में इन्हें थोड़ा थोड़ा स्वार्थ नज़र आया, बस आपका ही प्यार है, जिस प्यार में आपने सिर्फ इन्हें दिया है, तन मन धन समर्पण हर तरीके से किया है। और ये आगे भी चाहते कि आपका साथ ही रहे इनके साथ, आप ही इनके साथ रहो हमेशा। हम चाहते हैं, मतलब ये हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो और ज़रूर एक होंगे, ज़रूर एक होंगे, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और हिम्मत से काम लीजिए, अप डाउन्स तो हर रिश्ते में आते हैं, ज़िंदगी का तो ये खेल ही है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना है। आप बहुत टेंशन मत लीजिए, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं और वो आपको आपके प्यार से ज़रूर मिलाएंगे, बस थोड़ा देर सही। और देखना, आपके पार्टनर ना एक अच्छी पावर, एक अच्छी पोजीशन पर जब पहुंच जाएंगे ना, तब देखना वो खुद आपसे बात करेंगे, वो खुद आपको कमिटमेंट देंगे,
अभी हो सकता है कि वो गुस्से में आपसे बात ना करते हो, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं रोते हैं या फिर कुछ भी टोंटबाजी करते हैं पास्ट को लेकर, तो इस वजह से वो शायद अभी आपसे बात ना कर रहे हों, लेकिन वो दिल से आपका साथ चाहते हैं, ये समझ लीजिए। और वो ज़रूर से ज़रूर आपसे शादी करेंगे, वो खुद भी यही चाहते हैं। तो डियर, बी पॉजिटिव, खुश हो जाइए, क्योंकि ईश्वर आप दोनों को कभी अलग नहीं होने देंगे, इतना समझिए। चाहे कुछ भी आ जाए, कितने भी बड़े बड़े तूफान आ जाएं, चट्टाने हिल जाएं, पर आप दोनों हमेशा एक दूसरे के रहोगे, ठीक है? हिम्मत से काम लेना, मैच्योरिटी से काम लेना। अच्छे बुरे लोग भी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, अच्छे बुरे दिन भी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, पर प्यार वही है जो समझदारी से काम ले, जो समझदारी से एक दूसरे को समझें। हम आशा करते हैं कि हमने जो कहा है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बहुत परवाह मत करिए, बहुत टेंशन मत लीजिए। लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111 में। क्या किस्मत आपको उनसे फिर से मिलाएगी? क्या किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के करीब फिर से लाएगी? उनका प्यार, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? क्या लिखा है किस्मत में? आपकी जो एनर्जी है और इधर जो रीडिंग हमें समझ में आ रही है, बहुत बहुत अजीब है। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ कन्या मकर राशि, एरीस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है, मेष सिंह धनु राशि। चलिए उनकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। उनका जन्म किसी महीने की 20 तारीख, 28 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख, 23 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख, 10 तारीख और 7 तारीख को हुआ होगा। बर्थ मंथ बताते हैं उनका मई, जुलाई, जून, अप्रैल, सितंबर, नवंबर, बस। इनिशियल बताते हैं एफ ए एन वी सी आर वाई एच एल एस आर डी पी के बी एम जे यू, ठीक है? ये है उनका इनिशियल। एक बात अच्छे समझ लो, इधर प्यार था, बहुत प्यार था, लेकिन इधर जितना प्यार था उससे कई गुना ज़्यादा आपकी दुश्मन
आपके आसपास थे। आपको ना पसंद करने वाले, आपकी ज़िंदगी को तबाह करने वाले लोग, आपके दर्द में खुशियां मनाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा, इतना समझ लीजिए। जैसे कि जिसके जितने चाहने वाले होते हैं ना, उससे ज़्यादा उससे चिढ़ने वाले लोग होते हैं। आपके चाहने वाले कम, आपके चिढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास बहुत। इधर प्यार बहुत था, लेकिन एक बात बताएं, किसी भी वजह से आप लोग दूर हुए, सेपरेशन की स्थिति है, इधर बहुत दूर हैं, बहुत दूर। ब्लैक मैजिक यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। एक तो ईगो, एटीट्यूड, अहंकार, ठीक है, दूसरा ब्लैक मैजिक, और कुछ लोगों के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही है, ज़िम्मेदारियाँ, एज डिफरेंस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, बहुत सारे इशूज़ भी बहुत सारे हैं। मतलब कि इधर चिढ़ने वाले भी हैं, इधर समस्याएं भी बहुत हैं। तो जैसे कि बहुत प्यार था, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल आपकी एनर्जी ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा दबा कर ज़िंदा हैं। जैसे कि ज़िंदा तो हैं आप, पर ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदा तो हैं पर ज़िंदगी नहीं है। आपको उनकी बहुत याद आती है, आप आज भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और घूम फिर कर आपकी दुनिया उन तक ही सिमट जाती है। वो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, या तो उनकी शादी हो गई किसी और के साथ, या तो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आके चले गए। कोई भी रीज़न रहा हो, बस इतना समझिए कि वो नेचुरल नहीं था। वो जो रीज़न था जाने का, उसे आप बिल्कुल नेचुरल मत समझना। डेफिनेटली 100% उधर ब्लैक मैजिक वर्क कर रहा है, इतना समझिए। ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया है, नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है आप लोगों को अलग करने के लिए। अब पता है क्या होता है, अब आपको उनकी बहुत याद आती है, आप कभी कभी बिल्कुल बंद जाते हैं, बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता बिल्कुल। वो व्यक्ति एक पल के लिए भी आपके दिल दिमाग से निकलता नहीं है। आप बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन आपको लगता है जैसे कि उसके साथ मेरी रूह भी चली गई है, मेरी स्माइल भी चली गई है, अब मैं नहीं हूँ। हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है आपकी एनर्जी पे, चलिए सुनाते हैं। जिंद ले गया हो, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया। उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं है, उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को
याद नहीं है, आई थी एक रोज कयामत, और किसी को याद नहीं है, बस एक मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया, जिंद ले गया हो, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया अपने जख्मों, अपने सदमों से मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, अपने जख्मों अपने सदमों से मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, क्या कारण है क्या है सबब जो आज भी अब तक मैं जिंदा हूँ, लगता है कि मेरा बाकी कोई इम्तिहान रह गया, जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, जिंद ले गया। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, जिंद ले गया, जिंद ले गया। उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं है, आई थी एक रोज कयामत और किसी को याद नहीं है, बस एक मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। जैसे कि जान तो अपने साथ ले गया, बस ये जो बुत है, जो शरीर है, ये बेजान सा छोड़ गया। किसी से आपने बेपनाह मोहब्बत की थी, बहुत चाहा था उसे, बहुत चाहा था उसको, अपना सब कुछ माना था, आपकी पूरी दुनिया था वो, लेकिन जब आपकी वो दुनिया आपसे दूर हुई, आपकी ज़िंदगी भी साथ में चली गई। बस है, जिंदा है पर ज़िंदगी नहीं है। आपको खुद हैरानी होती है कि मैं अब तक कैसे जिंदा हूँ, अपने सदमों अपने ज़ख्मों पर मैं अब तक शर्मिंदा हूँ, क्या है कारण क्या है सबब जो आज भी अब तक मैं जिंदा हूँ, लगता है कि मेरा बाकी अभी भी कोई इम्तिहान रह गया। आप भी जब कभी दुखी होकर भगवान की तरफ देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है क्या, सच में कुछ इससे भी बड़ा, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत गहराई से देखा है, एक एक पल पर कुआं और खाई, कुआं और खाई, ऐसी ज़िंदगी रही, बहुत स्ट्रगल बहुत जगल, और जब ऐसी ज़िंदगी में कोई करीब आता है ना, थोड़ा प्यार जताता है, थोड़ा प्यार दिखाता है, और जब वो हमें
बुरी तरह से तोड़ कर जाता है। तो बस यही हालत होती है कि जिंद ले गया वो दिल का जानी और ये बुत बेजान रह गया। आप बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरों से सुनते हैं कि आगे बढ़ो, क्या रखा है पुरानी बातों में, मेडिटेशन करो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वही होता है कि भुला पाते हैं क्या हम कभी उसे जिसे कभी हमने आत्मा की गहराइयों से चाहा हो? नहीं ना, नहीं भुला पाते। आपको पता है इस रिश्ते का अभी भी कोई फ्यूचर नहीं दे बता सकते हम, कोई श्योरिटी नहीं दे सकते कि किस्मत आप दोनों को उस तरह से एक करेगी। किस्मत आप दोनों को मिलाएगी ज़रूर, लेकिन आप उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे ये हम श्योरिटी नहीं दे सकते, नहीं कह सकते। हाँ, वो जो जो करके गए हैं आपके साथ, जो इल्ज़ाम लगाकर या फिर जो जिस जितना भी तोड़ कर गए हैं, उस सब की भरपाई होगी, उन सब का हिसाब होगा, वो सब कुछ होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप उनके साथ अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और एक बात और, हमने आपको बताया कि इधर वो व्यक्ति भी खुश नहीं है, बंधा हुआ है, बंधी हुई एनर्जी है उनकी, एंग्जाइटी डिप्रेशन की सिचुएशन हमेशा। इस रिश्ते में पता है फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, फिज़िकल लेवल पर चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, आपकी तरफ से रही होंगी इनर लेवल पर, सोल लेवल पर उनकी तरफ से नहीं थी। और वो व्यक्ति इतना मैच्योर भी नहीं था, इतना समझदार भी नहीं था, इतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था, इतना इमोशनल भी नहीं था जो आपके इमोशंस को समझता। हाँ, बट उसे याद ज़रूर आती है आपकी, ये बात पक्की है। अगर आप उन्हें याद करते हैं तो वो भी आपको याद करते हैं। सोचते तो हैं एक बार कि उसकी वफ़ा में बात ही कुछ और थी, चाहे किसी से शादी हो गई हो, किसी के साथ प्यार व्यार में आगे बढ़ गए हो, फैमिली की बातों में आकर आपसे रिश्ते तोड़े हो, कुछ भी हुआ हो, बट मिस बहुत करते हैं आपको। कहीं ना कहीं अब आपने अपना दर्द बस अंदर छुपाना सीख लिया है। याद बहुत आती है, रोना बहुत आता है, लेकिन जताना बताना छोड़ दिया है। आप ये भी समझ गए हैं कि दुनिया में कोई समझने वाला नहीं है, किसी के सामने दुख रोने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई समझता नहीं है, यहाँ सिर्फ अपने मतलब की बात लोग सुनते हैं, अपने मतलब की बात लोग समझते हैं, और यहाँ पर कोई किसी को सुनने के लिए नहीं बैठा। आपका कभी कभी मन होता है कहीं दूर जाने का, कहीं दूर चले जाएं, एकांत में ज़िंदगी जिएं, किसी से बात ना करें। हम आपसे कहेंगे सिर्फ एक ही बात कि हम समझ सकते हैं, और हम अगर समझते नहीं होते तो हम आपकी एनर्जी में इतने इमोशनल नहीं होते। लेकिन फिर भी हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि हो सके तो खुद को स्ट्रॉन्ग करिए। आप स्ट्रॉन्ग हैं, बस आप अपनी पावर को भूल गए, अपनी पावर को पहचानिए और थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज़िंदगी इंसान को बहुत आगे ले जाती है, स्ट्रॉन्ग बना देती है, हर किसी के बिना जीना सिखा देती है, सेल्फ लव करना सिखा देती है। फिर जिसने प्यार दिया उसका भी आभार, जिसने दर्द दिया उसका भी आभार, हर किसी को हम थैंक्स ही बोलते हैं, फिर किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाती। और जो हुआ है आपके साथ इतना बुरा है, जो भी, उसका रीज़न भी आपको पता चल जाएगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो, क्यों हुआ, वो व्यक्ति क्यों आया और उसने ऐसा क्यों किया, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, ये समझ लीजिए। तो बस हम आपसे इतना कहेंगे, आप मेल हों फीमेल हों, थोड़ा सा मन को मजबूत करिए, और आप इतना समझिए कि शायद आज ईश्वर हमारे द्वारा आपको सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे तुम एक यूनिक सोल हो, तुम्हारा लाइफ पर्पस, तुम्हारा सोल पर्पस कुछ अलग था, तो तुम्हें बेकार के लोगों में कैसे फंसा देते, जो दर्द मिला तुम्हें दूसरों से, वो बस इतना समझो कि कुछ कर्मा रहा होगा,
ठीक है, और अब तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ करनी है, यहीं पे पड़े मत रहिए, अटके मत रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा साबित होगा। जो आने वाले समय में आप बनने वाले हैं, अभी तो आप जो हैं वो हैं। जैसे मान लीजिए कि सिद्धार्थ ही तो बुद्ध बने हैं, तो ये मान लीजिए एक एग्जांपल कि जो बुद्ध है ना, वो इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे ही जो आपका इनर साइड है वो इंतज़ार कर रहा है आपका, जो आप एक्चुअल में हैं, उस रूप में ढलने का, वैसा बनने का आपकी अंतरात्मा इंतज़ार कर रही है। और आपकी अंतरात्मा ही नहीं, इवन कितनी आत्माएं आपका इंतज़ार कर रही कि कब आप अपनी पावर में आएंगे, कब आप वो बनेंगे जिसके लिए आपने धरती में जन्म लिया है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए, किस्मत आपको मिलाएगी, किस्मत आपको इनसे मिलाएगी, लेकिन आप वैवाहिक जीवन जिएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है डियर पाइल नंबर 2, आप एक स्पेशल सोल हैं, समझ रहे हैं आप। इस तरह के भूकंप उन्हीं की ज़िंदगी में आते हैं जो सहने का दम रखते हैं, जिनका कुछ बड़ा उद्देश्य होता है। तो ईश्वर ने किसी बड़े उद्देश्य के लिए आपको चुना है, उस उद्देश्य को पूरा करें, जीवन में आगे बढ़ें। सिर्फ इतनी ही एडवाइस देंगे आपको, इतनी ही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, और निकलिए इस एनर्जी से। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है डियर, इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।